हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद अंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी एंड स्वीट रेसिपी, वो है श्रीखंड। श्रीखंड बनाना बहुत आसान है, घर में बहुत इजीली इसे हम बना सकते हैं और ये सभी को बहुत पसंद है। तो चलिए, इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। श्रीखंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दही। यहाँ पर मैंने दही लिया है, फुल फैट दही लिया है। फुल फैट मिल्क से जो हमने जमाया रहता है दही, वो वाला दही लेना है, क्योंकि इससे श्रीखंड का टेस्ट और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये हमने लिया है 300 ग्राम। तो इसे हमें छान लेना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो हम इसे एक कपड़े में डाल देंगे और इसका सारा पानी निकल जाए हमें इस तरह से इसे रखना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका पानी निकल जाना चाहिए पूरा। पहले हम हाथों के हेल्प से इसे निकाल लेंगे पूरा पानी। हमने सारा पानी निकाल लिया है इसमें से, एक बार हम इसे चेक करते हैं। अभी भी ये थोड़ा थोड़ा गीला है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम 15 मिनट के लिए लटका के रख देंगे। 15 मिनट के लिए मैं इसे इस तरह से लटका के रख दूंगी ताकि जो भी पानी थोड़ा बहुत हो वो निकल जाए। तो हम 15 मिनट बाद इसे चेक करते हैं। दही को मैंने अब हटा दिया है वहाँ से, अब इसमें से पानी बहुत निकल गया है, तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो दही को हमने यहाँ पे निकाल लिया है, अब ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसमें डालना है पाउडर शुगर। यहाँ पे मैंने लिया है 5 बड़े चम्मच पाउडर शुगर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। शक्कर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है। मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी, यहाँ पे मैंने पिंच ऑफ फूड कलर लिया है, केसरी फूड कलर। आप चाहे तो केसरी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं अभी यहाँ पे फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे हम डाल देंगे, इसे मैं डालूँगी 1 चम्मच पहले, मिक्स करूँगी। और डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, आप अपने पसंद के डालें। मैंने लिया है काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। थोड़े से पिस्ते मैं गार्निश के लिए रखूंगी। मिक्स कर लूंगी। श्रीखंड हमारा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए, अब हम इसे एक बाउल में निकाल के इसे गार्निश कर देते हैं। श्रीखंड को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़े से काजू और पिस्ते। तो हमारा श्रीखंड बनके तैयार है। आपने देखा, इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।